जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आप लोगों का दोस्त एक सोल्जर फेर्डौस मंडाल, आप लोग हाजिर हो प्री डिफेंस एकेडमी में और वेलकम सबको। दोस्तों मैं कुछ दिन पहले दो वीडियो बनाया था वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट के ऊपर। एक में बोला था 5385 वैकेंसी होगा, दूसरी बार बोला 8000 प्लस वैकेंसी होगा। अभी उसका वैकेंसी आपका और एक सप्ताह बाद शुक्रवार आ जाएगा, जो न्यूज़पेपर है उसमें आ जाएगा। उसका वैकेंसी कुल मिला के 10000 हो गया, कांस्टेबल में शायद 8000 प्लस और एसआई में 2000 के आसपास आएगा, पर पूरा साफ नहीं है कितना कौन सा पोस्ट में आएगा, कब से क्या होगा, सिर्फ माध्यमिक में कितना आएगा। इतना तो मुझे मालूम हो गया, टोटल वैकेंसी 10000 आने वाला है वेस्ट बंगाल पुलिस में। इतना बड़ा वैकेंसी इससे पहले बहुत दिन बाद आया। तो दोस्तों मुझे लगता है बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जो वेस्ट बंगाल वासी हो, जो बंगाली हो उसके लिए। तो दोस्तों उम्मीद है इतना बड़ा न्यूज़ आप लोगों को दिल तो खुश कर दिया होगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत दिन से वैकेंसी नहीं था वेस्ट बंगाल पुलिस में भी। शायद एक साल पहले एक बार न्यूज़पेपर में आया था, वर्तमान न्यूज़पेपर में, जो हर साल 8000 करके 3 साल में 24000 वेस्ट बंगाल पुलिस मिलेगा, पर हम लोग देखा वो वाला सिस्टम नहीं लागू हुआ। पर अभी 8000 वैकेंसी से ज़्यादा 10000 वैकेंसी आ रहे हैं वेस्ट बंगाल पुलिस में, बहुत बढ़िया न्यूज़ है। पर वेस्ट बंगाल पुलिस में क्या क्या चाहिए वो आप लोगों को मालूम नहीं है, तो उसके बारे में भी वीडियो बना देंगे। मुझे लगता है इस बार पहले एग्ज़ाम होगा, जैसे लड़के लोगों का लेडी कांस्टेबल में, वेस्ट बंगाल पुलिस का लेडी कांस्टेबल में पहले एग्ज़ाम के बाद बोला हुआ है, सेम एज इस बार वेस्ट बंगाल पुलिस में पहले एक एग्ज़ाम हो सकता है, पर वो और एक दो दिन के अंदर मुझे पता चल जाएगा दोस्तों। और आपका उसके बाद फिजिकल होता है, इसका हाइट 167 सेंटीमीटर रहता है और कुछ चेंज होगा तो ज़रूर हम बताएंगे। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बहुत बेरोजगार बढ़ गया है हमारा देश में, हमारा राज्यों में। इस तरह वैकेंसी आएगा तो थोड़ा बहुत बेरोजगारी भी कमेगा। हम लोग देखा कुछ दिन पहले रेलवे में 90000 कुछ वैकेंसी आया है, उसके बाद आरपीएफ में 9500 वैकेंसी आने वाला है, उससे 50% लेडी लोगों के लिए संरक्षण है, आरक्षण है। अभी देखा वेस्ट बंगाल पुलिस में भी इतना आ रहे, वेस्ट बंगाल पुलिस में पहले कुछ लेडी बंदा के लिए, लड़की लोगों के लिए आया था, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए आया था, और इस बार आ रहे हैं गर्ल्स और जेंट्स दोनों को। कुछ एसआई का भी आया था, फिर इस बार भी एसआई आ रहे हैं दोस्तों। और कुछ दिन बाद और भी एक वैकेंसी आएगा, वो हम लोग पेपर में देखा, ग्रुप डी, वेस्ट बंगाल ग्रुप डी। इसलिए मुझे एक ही चीज कहना है दोस्तों, जो तैयार होना चाहते हैं यही असली टाइम है, यही असली टाइम है, फॉर्म फिलअप कर दो। अभी फॉर्म नहीं फिलअप करोगे तो और मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। आगे इलेक्शन है इसलिए बहुत वैकेंसी आ रहे हैं और आने भी वाला है, क्योंकि हर गवर्नमेंट चाहेगा, वो बोलेगा मैं इतना वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ले रहा हूँ। ये फायदा आप लोगों को उठाना ही चाहिए और ये भी लेना भी चाहिए, क्योंकि फोर्स में ज़्यादा बंदा लेगा तो क्राइम कमेगा, क्राइम कमेगा तो हमारा जो समाज और डेवलप होगा। तो इसलिए लगता है दोस्तों जो तैयारी करना चाहते हैं वो तैयार हो सकते हैं, हमारा इधर भी आ सकते हैं। प्री डिफेंस एकेडमी में वेस्ट बंगाल का कोई भी हिस्सा से जो जेंट्स है, लेडी है, स्टूडेंट हमारे पास आ सकते हैं। इधर रहने का इंतजाम भी है, आवश्यक भी है, आप घर से आना जाना करके भी तैयार हो सकते हो। फिजिकल पूरा इधर आप लोगों को हेल्प किया जाएगा, फिजिकल सुबह प्रैक्टिस होता है दोस्तों और पढ़ाई पूरा दिन होता है दोस्तों। इसलिए मुझे लगता है आप लोग भी जल्दी जल्दी वेस्ट बंगाल पुलिस के लिए भी आ सकते हो, हमारा प्री डिफेंस एकेडमी, ये आपका और हमारा एकेडमी है दोस्तों। दोस्तों वेस्ट बंगाल पुलिस के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाओ और उधर जाके आप कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो आप लोगों का जानकारी अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट एक लाइक कर दो, और जो नया बंदा है उसके पास एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों,
हमारा चैनल बहुत ही छोटा है, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिए और बगल में जो बेल वाला आइकॉन है वो घंटी को बजा दीजिए, इससे जो हम लोग नया वीडियो डालेंगे इसका पता आप लोगों को चलेगा। और दोस्तों जो हमारे पास आना चाहते हैं, एडमिशन करना चाहते हैं वेस्ट बंगाल पुलिस के लिए, सिर्फ उसके उसको ही बोलूँगा आप कॉल करो, क्योंकि बहुत कॉल आ रहे हैं, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसलिए ओनली जो एडमिशन लेना चाहते हैं, जो बंदा को लगता है मेरे पास आके वो सक्सेस हो सकते हैं, कोई बंदा मेरे पास आ सकते हैं, कोई बात नहीं। इसके पहले भी 2012 साल में कुछ बंदा हमारा इधर से निकल गया है, कुछ दिन पहले भी कुछ बंदा इधर से निकल गया है वेस्ट बंगाल पुलिस कलकत्ता पुलिस में। अच्छा लगेगा, आप लोग आओगे सक्सेस होके घर जाओ, आपका भी बेहतर है, हम लोगों का भी अच्छा लगेगा। सब बढ़िया रहो, कुछ भी जानना चाहते हो तो कमेंट में लिख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर मिल जाएगा। बढ़िया रहो, जय हिंद जय भारत, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहो।